ना जाने यहां कितनी औरतें अपना नाम पेश करेंगी, कितनी लड़कियां उसका रास्ता काटेंगी। उस बाजार में औरत जिन्स की तरह फरोख्त होती और खुद अपने दाम लगाती थी। ये शहरों का शहर बाबुल था, औरतों की मंडी, जहां 40,000 से भी जायद कस्बियां, तवायफें, देवदासियां, कवारियां, प्यारियां और नाचने गाने वालियां धंधा करती थीं। और यह कोई अचंभे की बात नहीं थी, 60 लाख की आबादी में औरतों का तनासुब 1% से भी कम था। बाबुल एक अजायब कदा था। यहां तो शहर के वस्ती चौक में 10,000 दुकानें सिर्फ नजूमियों, ज्योतिषियों और काफिया शनासों की थी। भूत प्रेत, जिन्नात और बदरूहें निकालने वाले रूहानी आमिलों और तावीज़ गंडा, झाड़ फूक करने वाले जादूगरों का तो शुमार ही क्या, जो ज़्यादातर औरतों ही के अमराज का इलाज करते थे। यहाँ कई नीलाम घर थे, जहाँ हसीनों जमील लौंडियों, कनीज़ों की बोली लगती थी। खड्डियों पर काम करने वाले लड़के फरोख्त होते थे, ग़ुलामों की किस्मत के सौदे चुकाए जाते थे, औरतें और लड़कियाँ सरे बाजार बेची जाती थीं। बाजार ऐश उसी बाबुल का एक हिस्सा था जहाँ ये सब कुछ होता था, और मेहरताब तो उस बाजार में महज इत्तेफाक से आन निकला था। आखिर वो जाता भी कहाँ, आज की रात उसकी कोई मंजिल नहीं थी। जब कस्बी ने अपना नाम पेश किया तो मेहरताब पहले की तरह बितका नहीं, उसकी पेशकश के जवाब में सिर्फ एक तरफ हटकर चलता रहा, मगर वो टलती नजर नहीं आती थी। फिर नज़दीक आकर पूछने लगी, अकेले हो? वो खामोश रहा। अजनबी लगते हो, तुम क्यों पूछ रही हो? हाय, दिल जो आ गया है तुम पर। मेहरताब के पसीने छूट गए। एक बार फिर बौखला कर वो तेजी के साथ आगे बढ़ा और एक तरफ निकलता चला गया, मगर अब वो बहुत सी निगाहों का मरकज बन गया था। बाजार में चलने फिरने वाली औरतें ही नहीं, उनके यार आशना, आवारा मिजाज तमाशबी, दुकानदार, छाबड़ी फरोश, फेरी वाले, सब उसी को देख रहे थे। और इतनी सारी निगाहों के नरखे में घिरा हुआ सर निवाड़े वो चुपचाप चला जा रहा था। खजूर की सस्ती शराब बेचने वाले एक ताजर की दुकान पर चंद औरतें अपने आशनाओं से मजाक कर रही थीं। जो ही मेहरताब उनके करीब से गुजरा, सबकी नज़रें दौड़कर उस पर जा लगीं और वो आशनाओं को भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गईं। एक बोली, अरे ये कौन है? कोई परदेसी महबूब है, लगता है इस बाजार में पहली मर्तबा आया है। हाय, कैसा कड़ियल जवान है, अरे मेरा दिल। इतने में एक शोख सी, अल्लड़ सी, बेबाक लड़की जो 16-17 साल से ज्यादा उम्र की ना थी और उन सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थी, एक जानिब से भागी भागी आई और पूछने लगी, कौन है, कहाँ, मैं भी तो देखूं। वो रहा। उस कस्बी ने जो अभी तक दिल थामे खड़ी थी बाजार की तरफ उंगली उठा दी, देख वो है जिसने जर्द रंग की अबा पहन रखी है। लड़की उंगली की सीध में भागी, लोगों से बचती बचाती मेहरताब के अकब में पहुंच गई और जाते ही बड़ी बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तड़प कर मुड़ा तो लड़की ने फौरन अपना नाम पेश कर दिया, आमोसी नूरे नाहिद। लड़की उसकी घबराहट पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुलाब की तरह चमकते दमकते आरजों में हल्के हल्के गढ़े नमूदार हुए, बालों की एक लट चेहरे पर बिखर गई और आंखों के दरीचों में मैखाने से खुल गए। लेकिन फौरन ही उसकी हंसी आप ही आप टूट गई, बिखर गई, रुक गई और अजनबी को देखकर वो खुद नक्श हैरत बन गई। उसके सामने मर्दाना हुस्न शबाब का एक मुकम्मल पैकर, एक मुकम्मल आदमी खड़ा था। लड़की जिसने अपना नाम आमोसी बताया था उस पर कुर्बान हुई जा रही थी। फिर खुद ब खुद उसकी आंखें झुक गईं, गर्दन झुक गई और वो परेशान सी होकर बोली, माफ कर दो, मैंने तुम्हें रोक लिया। माजरत का यह अंदाज नया था, मेहरताब को अच्छा लगा। कोई बात नहीं। फिर गौर से उसे देखा, वो बाबुल की कस्बियों से कुछ मुख्तलिफ नजर आई। बाबुल में पहली बार आए हो? हाँ। वो कुछ और करीब हो गई, इतनी करीब कि मेहरताब उसके नौजवान जिस्म की गर्मी महसूस करने लगा। कहाँ ठहरे हो? अभी तो कोई ठिकाना नहीं। लड़की ने नजर भर कर देखा।
रात रहोगे? मेहरताब एक बार फिर तड़प कर पीछे हटा और लड़की एक बार फिर उसकी बौखलाहट पर हंस दी। उसकी हंसी कांसी की घंटियों की तरह मुतरनम थी। मेहरताब अगरचा उस पेशकश पर दमबखुद रह गया था कि एक लड़की उसे रात रहने की दावत दे रही है, मगर फौरन ही ख्याल आया कि ये रात तो उसे बहरहाल कहीं ना कहीं गुजारनी है, किसी मंदिर या सराय में ही सही, कस्बे के कोठे पर ही सही। वो सोचने लगा कि इसमें हर्ज ही क्या है, लड़की ने खुद ही दावत दी है। इधर लड़की उसकी खामोशी पर हैरान थी कि ना जाने वो किस ख्याल में गुम हो गया है। उकताकर उसने पूछ ही लिया, क्या मेरी बात नहीं समझे? समझा क्यों नहीं, फिर बोलो, रहोगे रात? हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ रात भी रह लूँगा, मगर ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? अब हैरान होने की बारी लड़की की थी। क्या माँ के साथ रहोगे? मेरा मतलब कुछ और था। मेहरताब के होठों पर खिसियाने से मुस्कुराहट तर गई। खैर, मतलब कोई भी सही, तुम राजी तो हो ना? आओ मेरे साथ, तुम्हारा मतलब मैं घर जाके पूछ लूँगी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े फख्र, नाज और अंदाज के साथ चलने लगी, जैसे दुनिया की सबसे नायाब चीज़ हाथ आ गई हो। और मेहरताब था भी ऐसा, जिसे हासिल करके हर औरत फख्र कर सकती और खो देने के बाद पागल हो सकती थी। नूरे नाहिद आमोसी को ये महबूब इत्तेफाक ही से हाथ लगा था। वो अपना गर्म गुदास बदन उस पर गिराती चली जा रही थी। चलते चलते मेहरताब ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? बहुत दूर तो नहीं? बस हैकल जोहरा के पिछवाड़े चलना होगा। और हैकल जोहरा कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं। अरे हाँ, आज तो वहां खूब रौनक होगी, चांद की तीसरी रात है ना? मेहरताब के जहन पर सितारे से नाच उठे। वो चांद की हर तीसरी रात हैकल जोहरा में नजर देने जाती है। उसने वादा किया था कि उसके रास्ते में नहीं आएगा, और ये लड़की उसे उसी तरफ लिए जा रही थी। क्या वो उसके साथ जाने से इनकार करते? मेहरताब उन्हीं कदमों पर रुक गया। तुम रुक क्यों गए? क्या तुम्हारे घर को ऐसा रास्ता भी जाता है जो हैकल जोहरा से ना गुजरता हो? वो इसके सवाल पर सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं समझ गई, तुम भीड़ भाड़ से घबराते हो, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आओ, मैं तुम्हें भीड़ से निकाल कर ले जाऊंगी। अब उसने अपने मेहमान का हाथ मजबूती से थामा और उसे लेकर चल दी। जो जो वो आगे बढ़े, बाजार की रौनक भी बढ़ती चली गई। बाबुल की जवां व फितनागर हसीनाएं रंगीन और महीन लिबास पहने, जिनसे उनके जिस्मों की दिलकशी झांक रही थी, अपने चाहने वालों के शाना बशाना आ जा रही थी। उनकी हंसी की लहरें, सुरीली आवाज़ें, बाजार के शोरगुल, छाबड़ी फरोशों की हू हा और देवी देवताओं के चढ़ावे की अशिया बेचने वालों की ऊंची ऊंची सदाओं में घुल मिलकर अजीब सी कैफियत पैदा कर रही थी, और इस शोर में कोई आवाज़ पहचानी न जाती थी। जिस तरह शाम के वक्त जंगल के हजारों परिंदों के मुश्तरका चहकार में किसी एक आवाज़ का तायुन मुश्किल होता है, यहाँ तो हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था, किसी को दूसरे का ख्याल ना था। जिंदगी के इस पुरशोर और बहते हुए हंगामे में लोगों को फुर्सत ही कहाँ थी कि वो पीछे मुड़कर देखते या किसी दूसरे की तरफ ध्यान देते। मगर मेहरताब में कोई ऐसी कशिश ज़रूर थी कि उसे देखकर औरतें चौंक जाती, अपने आशनाओं को छोड़कर उसके नज़ारे में खो जाती, और उनके आशिकों के दिल रश्को हसद से जल उठते थे। ये कौन है जो मर्दों में सबसे जमील, सबसे शकील और रब नौ की तरह औरतों को दीवाना बनाता हुआ चुपचाप चला जा रहा है? रब्बुन्नौ मर्दाना हुसन और कुव्वत का मजहर देवता था, जो औरतों में बड़ा मकबूल था। ये कौन है जिसने इस बाजार की हर हसीना, हर नाजनीन के दिल में मोहब्बत की धड़कनें बेदार कर दी हैं? वो इस शहर में, इस बाजार में क्यों आया है? क्योंकि वो तो ऐसी मोहब्बत का रसिया नहीं जो बाजारों में फरोख्त होती है, और उसे नाजनीनों से भी कोई दिलचस्पी नहीं जो सरे राह अपने जिस्मों का तोल मोल करती हैं। इसे कहो चला जाए यहाँ से, कि उसकी दुनिया नहीं है। आमोसी ने मेहरताब का हाथ और मजबूती से थाम लिया, क्योंकि वो देख रही थी कि हर औरत उसी की तरफ मुतवज्जो है, और वो डरती थी कि कहीं कोई हराफा उसके हसीन मेहमान को छीन कर ना ले जाए।
इसी खतरे के पेश नज़र उसे वो अपने साथ खींचे लिए चली जा रही थी। अचानक मुलका गली से एक तख्त नुमा पालकी नमूदार हुई, जिस पर जेवरात में लदी फदी एक औरत निस्फ चेहरे पर नकाब डाले गावतकिए के सहारे नीम दराज थी। उस तख्ते रवा को चार कहारों ने उठा रखा था और किसी मंदिर की नौजवान पुजारा ने, जिनका मखसूस लिबास उनके कवारपन की अलामत था, तख्त के इर्द गिर्द घेरा डाले कोई मुकद्दस भजन अलापती हैकल जोहरा की तरफ रवा दवा थी। मेहरताब के लिए नज़ारा अजीब भी था और दिलचस्प भी। वो पूछने लगा, कौन है ये औरत? लड़की ने जले कटे अंदाज में कहा, अजीब आदमी हो तुम भी, अपने नौजवान साथी को छोड़कर बूढ़ी औरतों में दिलचस्पी ले रहे हो। दिलचस्पी कहाँ, सिर्फ देख रहा हूं, बड़ी शान है इसकी। भोपे दश्तर के काहिन अश्मिदे की बीवी है, हैकल जोहरा में नजर देने जा रही होगी, अगर कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं। मेहरताब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो हैकल जोहरा का नाम सुनते ही गुमसुम हो गया था। लड़की समझी कि शायद उसके मजाक का बुरा मान गया है। उसे खुश करने के लिए वो चहक कर बोली, अरे तुम भी क्या सोचने लगे, मैं तो उन बूढ़ों की खाल खिंचवाकर तुम्हारे पाँव की जूतियां बना दूं। अब हैकल जोहरा का चौक सामने नजर आ रहा था, जहां मर्दों औरतों का मेला सा लगा था। हैकल की दीवार के साय में रब्बे जोहरा की चंद प्यारियां, जिन्होंने अपनी जिंदगी देवी की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी, झांझ लगी हुई दफे बजाकर मदीहा गीत गा रही थी, जिसमें देवी के हुस्न जमाल की तारीफ की गई थी। नगमा सरा लड़कियों के सामने तमाशाइयों का एक हल्का बन गया था, जो उनकी मुतरन्नुम लय पर झूम रहे थे। आमोसी अपने मेहमान को लिए उस हजूम से कतराकर निकल जाना चाहती थी कि नागहां एक भारी लेकिन खुशशक्ल औरत ने उसका रास्ता काटा। अरे नूरे नाहिद, कहाँ भागी जा रही है? आमोसी एक तरफ हट गई। घर जा रही हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है, आज तो यहाँ बड़ी ज़बरदस्त खबर गश्त कर रही है, सारे शहर में चर्चा हो रहा है। क्या खबर है, मैं भी तो सुनूं। सुना है मुकद्दस गोमा की जुबान खुल गई है। कौन कहता है? अरे लो, सरदार हुनानी ने बाबे इला पर उससे गुफ्तगू भी की थी, और अब वो गोमा का पैगाम लेकर बागात मौलिका में गया है, और तुझे कुछ खबर ही नहीं? बड़ी अजीब बात बताई तुमने फदीमा। अभी तो और भी अजीब अजीब बातें होंगी, अजीब अजीब वाकयात पेश आएंगे। मुकद्दस गोमा ने कहा है कि दुख्तरे बाबुल का दूल्हा आ गया है, और सुन, उसी को देखकर दानाए फरात की मोहरे खामोशी टूटी है। अरे नूरे नाहिद, उसके ख्याल ही से मेरा दिल धक धक कर रहा है। हाय, वो दूल्हा कैसा होगा? कहते हैं रब्बुन नौ का मजहर है, बड़ा जमील, बड़ा शकील। मेहरताब करीब ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ये खबर उसके लिए भी खासी दिलचस्प थी कि मुकद्दस गोमा ने उसे बाबुल का दूल्हा करार दिया है। ना जाने उसने बादशाह को क्या पैगाम भेजा है। मोटी औरत फदीमा आमोसी के साथ बातों में कुछ ऐसी महव हुई थी कि मेहरताब की तरफ तवज्जो ना दे सकी, लेकिन जब आमोसी ने आगे बढ़कर अपने मेहमान का हाथ थाम लिया तो फदीमा ने उसे देखा और हैरत और शौक के आलम में देखती ही रह गई। फिर संभली तो लड़की के कान में आहिस्ता से बोली, ये अलबेला कहाँ से हाथ लगा? जोरा की कसम, मैंने आज तक ऐसा नौजवान नहीं देखा। आमोसी ने भी बड़ी मध्यम आवाज में, ताकि मेहमान ना सुन ले, जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से रात रहने पर हासिल हुआ है। उसी लम्हे हैकल जोहरा के सामने सड़क पर शोर उठा, चौक में हलचल सी मच गई। नगमा सारा लड़कियों ने गाने की लय ऊंची कर दी, लोग आप से आप रास्ता छोड़ने और एक तरफ हटने लगे। मेहरताब यही समझा कि शायद बादशाह की सवारी आ गई, या मोबेद अकोर का काहिन आज जरिया देवी के लिए चढ़ावा लेकर आया है। लेकिन सर उठाकर देखा तो हैरान रह गया। सामने वाली सड़क पर एक औरत, जिसने जर्द रंग की अबा पहन रखी थी, चेहरे पर जालीदार नकाब खींचे 27 प्यारियों के जिलों में अजीब शान दिलरुबाई के साथ चली आ रही थी। काहिन आजम जरिया मोबिदों और मंदिरों की मजलिस का सरबरा था। मेहरताब के अकब में खड़ी दोनों सहेलियों ने भी यह मंजर देखा। फिर फदीमा बोली, तेरी माल की नारी है, ले मैं तो चली। ये कहकर वो तो एक तरफ निकलती चली गई और लड़की अपने मेहमान को करीबन घसीटती हुई बोली, इधर आ जाओ,
कहीं वो मुझे ना देख ले। वो उसे हैकल की दीवार के पास घसीट लाई, खुद एक खांचे वाले की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। मेहरताब के लिए ये सब कुछ अजीब और हैरत अंगेज था। वो आमोसी से मुखातिब होकर बोला, ये कौन आ रही है? बाबुल की शाही रकासा, बेदख्त। बेदख्त? हाँ, कभी मैं भी उसकी प्यारी थी मगर अब नहीं। मेहरताब का जहन तो बस बेदख्त के अल्फाज पर अटक कर रह गया था। आगे उसने कुछ नहीं सुना, या अगर सुना तो समझ नहीं सका, क्योंकि बेदख्त का नाम उसके शऊर पर बिजली बनकर गिरा था और वो सोचने लगा, अच्छा तो ये है बाबुल की सबसे खूबसूरत औरत, जिसका हुसन बूढ़े दानिश्वरों को भी बेवकूफ़ बना सकता है। बेदख्त अपनी हसीन और नौजवान प्यारियों के हाले में चलती अब करीब आ गई थी। उसने जरदबा के नीचे बहुत मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। सीने पर एक सुर्ख रेशमी सतरी थी जिसने हुसन की दिलकशी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। सुर्ख व सफ़ेद सिडोल बाजुओं पर तलाई बाजूबंद थे जिनमें जड़े हुए याकूत और जमरुद झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। हसीन नाजुक कलाइयों में जवाहरात से मरसा कड़े थे। नीम उरिया पेट के नीचे एक लहंगा पहन रखा था और सबसे दिलकश चेहरे पर सफ़ेद जाली का नकाब था जो सुरमगी आँखों के नीचे निस्फ नाक पर से गुजरता और कानों की तरफ से खिंचा हुआ सीने तक लटक रहा था। उस नकाब के अंदर दो शहाबी आरस, अनार के सुर्ख फूलों की तरह दो शगुफ्ता होंठ, कनपट्टियों पर नागिनों की मानंद बल खाए हुए दो हमदार काकल, राजहंस की तरह तनी हुई हसीन गर्दन में यमनी मोतियों की दो मालाएं, और नकाब से बाहर हिरणियों की सी मोटी मोटी दो स्याह पुरकशिश आँखें, घनी और लांबी पलकें, और उन आँखों पर दो हिलाल नुमा अबरो जो बेदख्त के जमाल की सहर आफरीनी में इजाफा कर रहे थे। मेहरताब ने आज तक ना तो ऐसी हसीन सूरत देखी थी, ना ऐसी जादूगर आँखें जिनसे सितारों की मानंद रोशनी फूट रही थी। वो सर से पांव तक हुस्न थी, आफरीदा जमाल, सरापा कयामत। उसकी रफ्तार में मस्ती भी थी और दिलबरी भी। मेहरताब के जहन में एक नया दरीचा खुल गया, उस पर एक खुदरफ्तगी सितारी हो गई। कोई पुरस्कार गैबी ताकत उसके इरादों को मुसमहल किए दे रही थी और वो यूं महसूस कर रहा था जैसे किसी आतशी भट्टी में उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और बेदख्त के हुस्न जमाल की लताफतें उसे डस रही हैं। मुकद्दस गोमा ने ठीक ही कहा था कि वो तनहा पूरे बाबुल को तबाह बर्बाद कर सकती है। वो प्यारियाँ भी जो उसे हाले में लिए चल रही थीं बेहद हसीन और नौशबाब थीं, लेकिन उनके दरमियान नूर जमाल बेदख्त यूं नुमाया थी जैसे सितारों के दरमियान जोहरा। हाँ, वो जोहरा ही तो थी जो अपनी 27 प्यारियों के झुरमुट में मेहरताब के करीब से यूं गुजर गई जैसे वक्त का एक कीमती लम्हा गुजर जाता है और वो पत्थर के किसी बुत की तरह साकित और जामिद उसे गुजरते देखता रहा। होश उस वक्त आया जब आमोसी ने पांचे वाले की ओट से निकलकर उसका शाना झंझोड़ा, आओ जानी अब चले। बेदख्त अपनी प्यारियों के हमरा हैकल जोहरा के बड़े दरवाजे में दाखिल हो रही थी और उसके अकम में जोहरा की पुजारा ने अपना नखमा अलाप रही थी। मेहरताब चुपचाप आमोसी के साथ हो लिया, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे और जहन कहीं और उड़ रहा था। ये वो मेहरताब तो हरगिज ना था जो आज शाम ही एमगोर बुल के बाबे ईला की डेवड़ी में आया था और मुकद्दस गोमा से हम कलाम हुआ था। हैकल जोहरा के चौक से गुजरकर वो एक नीम तारीख कूचे में चलते रहे और फरलांग भर रास्ता तय करने के बाद आमोसी अपने मेहमान को लेकर एक अंधी सी सुनसान गली में उतर गई। बाजार के हंगामे बहुत पीछे रह गए थे। गली के दो मंजिला सह मंजिला मकानों की बांस खिड़कियों से झांकने वाली मध्यम और बीमार सी रोशनी से पता चलता था कि यहाँ कोई रहता है, वरना पूरी गली शहर खामोशा की तरह अथा सुकूत में डूबी हुई थी। इस वीरान खामोशी और उदास अंधेरे में सिर्फ एक हसीन और माजबी औरत का तस्वुर ही आदमी की रहनुमाई कर सकता था और मेहरताब महसूस कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी के उफक पर एक शुआए नूर तुलू हो चुकी है। अंधेरी गली में दोनों चुपचाप चलते रहे, सिर्फ उनके कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही थी, लेकिन ख्वाहिशों और वसवसों के शयातीन भी उनके साथ साथ बेआवाज़ चल रहे थे। आमोसी तो सिर्फ अपने मेहमान के ख्याल में डूबी हुई थी जो किस्मत से मिल गया था, लेकिन मेहरताब अपने जहन को
अपने आप को हैकल जोहरा में छोड़ आया था या भूल आया था। कहने को तो वो लड़की के साथ साथ चल रहा था, मगर हकीकत में अपने आप से भी वो बिछड़ गया था। वो दोनों एक दूसरे के करीब भी थे और एक दूसरे से बहुत दूर भी। हैकल जोहरा से उस गली तक उन्होंने सारा रास्ता खामोशी से तय किया। सिर्फ उनके जहनों में खलचल सी मची थी। यहाँ रहने वाले लोगों के मुस्तकबिल की तरह ये गली भी तारीख थी। उस तारीखी में चलते चलते लड़की एक दो मंजिला मकान के सामने रुक गई, जिसके दरवाजे पर नक्शो नगार खुदे हुए थे। यहाँ अंधेरा कुछ कम था। दीवार में सफ़ेद पत्थर का कदबा भी नज़र आया, जिसमें नाकाबले फहम इबारत में कोई नाम कंदा था। ये है मेरा मकान, आवाज़ सुनकर मेहरताब जैसे किसी ख्वाब से चौंका। तुम्हारा नाम आमोसी है ना? हाँ, आमोसी नूरे नाहिद। फिर वो बेजारी से बोली, यहाँ हर औरत दो दो तीन तीन नाम लिए फिरती है, हालांकि नाम तो एक ही बहुत होता है, मगर क्या करें, कुछ नाम लोगों की दिलचस्पी के लिए भी रखने पड़ते हैं, उनके बगैर धंधा नहीं चलता। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद जीने पर कदमों की आहट उभरी। फिर एक सूडानी कनीज ने दरवाज़ा खोल दिया, जो शमा लेकर अपनी मालकिन को रास्ता दिखाने आई थी। शमा की रोशनी में दोनों छोटे से डेवड़ी नुमा कमरे में दाखिल हुए, जिसके एक गोशे से लकड़ी का जीना ऊपर जाता था। ये कमरा और जीना देखकर मेहरताब को कुछ अजीब सा लगा। वो कहाँ आ गया, क्यों आ गया है? लेकिन यही जीना उसके नए सफ़र की पहली मंजिल थी, जिसे वो गैर इख्तियारी तौर पर या मजबूरन इख्तियार कर चुका था। बाज रास्ते मजबूरन भी तय किए जाते हैं, उसने सोचा। चलो देखें इस पहली मंजिल पर क्या वाकया पेश आता है। उस असना में आमोसी खादिमा से बातें करती रही, गालिबन वो उससे अपनी बीमार माँ का हाल पूछ रही थी। फिर वो जीने की तरफ बढ़ी और खादिमा से बोली, चीफो ज़रा मेहमा के आगे रोशनी तो दिखाती चल। सूडानी कनीज शमा उठाए आगे आगे चली। मेहरताब को ये जीना बहरहाल चढ़ना था, वो खादिमा के पीछे पीछे हो लिया। आमोसी उसके पीछे थी। जीना उसे पहली मंजिल के कमरे में ले आया, जो खुला भी था और आरास्ता भी। खादिमा ने शमा ताकचे में रख दी और मालकिन के साथ ही दूसरे कमरे में चली गई, जो मेहमान की आवभगत से पहले गालिबन बीमार माँ की हाजिरी ज़रूरी समझती थी। मेहरताब सोचने लगा, कुछ भी सही, लड़की खिदमत गुजार और सादतमंद मालूम होती है। उसकी वापसी तक वो कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरे में खजूर की चटाई का फर्श था, जो काफ़ी बोसीदा हो चुका था। एक दीवार के साथ पत्थर का मुस्ततील चबूतरा चारपाई का काम देता था, जिस पर दबीज और नरम बिस्तर बिछा था। दूसरी दीवार की वाहिद खिड़की उस तारीख और सुनसान गली में खुलती थी, जिससे गुजरकर वो उस मकान तक पहुंचा था। एक कोने में सुर्ख पत्थर की चौकोर मेज थी, जिस पर सामान्य आराइश बड़े करीने से चुना गया था, मसलन तेल की कुप्पी, कंघा, सुरमेदानियाँ, फाजा, बालों में लगाने वाली चांदी की हल्की सी जंजीर, मोंगे, आईना और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। मेज़ के अकब में पत्थर की कार्नस बनी थी, जिस पर पीतल का एक बैल आराइश के तौर पर रखा था। यह बैल बहालत कहर व गज़ब गोया ज़मीन के पेट में सींग मार रहा था। पीतल का यह मुजस्मा दरअसल मुक़दस बैल के उस अजीमुल हैयत मुजस्मे की हूबहू नकल थी, जो मोबद अकोर की वसी अरीज देवड़ी में नसब था और जिसकी पूरे बाबुल में, पूरे कालदिया में परस्तिश होती थी। मिस्र में गाय और बाबुल में बैल की पूजा होती थी। यूं तो मुक़दस बैल के मुख्तलिफ रूप मुख्तलिफ अंदाज थे, मगर बहालत गज़ब ज़मीन के पेट में सींग मारने का अंदाज सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ था, और बाबुल के मुजस्मा साजों, बुत तराशों और मिट्टी की मूर्तियां ढालने वालों ने बैल के उस रूप को पीतल, पत्थर और मिट्टी की छोटी बड़ी मूर्तियों में ढाल दिया था, जिसे औरतें अकीदत या सजावट के तौर पर घरों में रखती थीं। कॉर्निस पर पीतल के बैल के दाएं बाएं सुबले यामा और अफ्रोदियत की मूर्तियां भी रखी गई थीं। सुबले यामा, जो अनातोलिया में हुस्न जमाल की मजहर समझी जाती, दरअसल यूनान की अफ्रोदियत, बाबुल की जोहरा और ईरान के इंथिया या अनाहिना देवी ही का रूप थी, क्योंकि इन तमाम देवियों की असल एक ही थी। फिर भी हर मुल्क में उनके रूप मुख्तलिफ थे, और मानवीय यकसानी के बावजूद सुबल यामा और अफ्रोदियत का बैक वक्त एक ही घर में होना हैरत अंगेज था। कमरे का सरसरी जायजा लेने के बाद मेहरताब ज़रा कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया। वो दिन भर सफ़र करता रहा था,
बाबुल में दाखिल होकर घूमता फिरता भी रहा और कुछ थकन महसूस करने लगा था। लड़की को गए कितनी देर हो गई थी और अभी तक वो लौट कर नहीं आई थी। लेटे लेटे नागहां उसने किसी कमरे से उसकी आवाज़ सुनी। वो सूडानी खादमा को हिदायत देती हुई मुसलसल बोल रही थी, छोड़ दे चीफू, ये शलामस मैं खुद ही पहन लूँगी, तू बस खाना निकाल दे, भूख लग रही है। और देख, मैं बाकला की फलियाँ तो हरगिज़ नहीं खाऊंगी, रोज़ मत पका लिया कर, मेहमान के लिए बाजार से तली हुई मछली मंगा ले, कुछ और भी तैयार कर ले। अरे जरा बाल तो ठीक कर दे कमबख्त, फिर उलझ गए। यूं नहीं, जा मेरे कमरे से कंघी उठा ला। नहीं नहीं, रहने दे, मेहमान समझेगा इस घर में एक ही कंघी है। शलामस बगैर आस्तीनों के लबादे की कसम का लिबास था, जिसे रेशमी डोर या रिबन से कंधों पर बांध लिया जाता था। अमूमन यूनानी औरतें शलामस पहनती थीं। इस गुफ्तगू से यह अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल नहीं था कि वो लिबास तब्दील कर रही है। ये सारा अहतमाम मेहमान के लिए तो हो रहा था। लड़की उसके पास आने से पहले बन संवर रही थी, गालिबन चाहती थी कि मेहमान का दिल मोह लेने में कोई कसर ना उठा रखे। लेकिन वो तो किसी और ही ख्याल में गुम था। और इस वक्त भी जब उसका जिस्म आमोसी नूरे नाहिद के बिस्तर पर दराज था, जहन कहीं हैकल जोहरा के इर्द गिर्द भटक रहा था। जोहरा जमाल बेदख्त की तलाश में, जिससे दूर रहने का मशवरा दिया गया था, लेकिन अक्ल व शऊर की नारसा कुव्वतों से दूर दिल की दुनिया में बास ऐसे वाकयात जहूर में आ जाते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता, और सिर्फ मुअज्जा या शोबदा करार देकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करता है। मेहरताब के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा पेश आया था जो अभी तक उसकी समझ में नहीं आ सका था, क्योंकि इश्क जहन से पूछ कर नहीं किया जाता। मालूम नहीं यह इश्क था या कुछ और, मगर हैकल जोहरा के चौक में उसने जो कुछ देखा था वो तो बिल्कुल एक जादू का सा वाकया था, जो किसी सूरत उसे भूलता नहीं था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका एक हाथ, जो तकिए के किसी जानब नीचे लटक रहा था, किसी सर्द और चिकनी शय से छू गया था और बदन में एक अजीब सी रौ दौड़ गई। कोई ऐसी ही चीज़ थी जिसके लमस ने अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। उसने उठकर देखा, बिस्तर और दीवार के दरमियान एक छोटा सा खला था। वहाँ संगमरमर की एक और मूर्ति औंधे मुँह पड़ी थी, जिसे गालिबन बेकार समझकर फेंक दिया गया था। उसका हाथ उस मरमर की मूर्ति से छू गया और उसी के लमस से जिस्म में एक लहर सरसर आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को उठा लिया, जिस पर गर्द की हल्की सी तह जम रही थी। फिर गर्द को बिस्तर की चादर से ही साफ करके देखने लगा। ये किसी औरत की मूर्ति थी, जो साफ होते ही शमा की रोशनी में चमकने दमकने लगी, और मेहरताब हैरत और दिलचस्पी से देखने लगा। मूर्ति संगतराशी और सनाई का शाहकार थी। नहायत मुतनासिब और मौजू मरमरी जिस्म के खतूत देखकर वो चौंक सा गया। लंबी गर्दन, शफाफ आरिस, याकूत से होंठ, हिलाल नुमा अबरो और मोटी मोटी जादूगर आँखें, ये सब कुछ देखकर वो खुद नक्शे हैरत बन गया, क्योंकि ये मूर्ति बहरहाल एक नकल थी और उस नकल की असल को उसने आज ही बचश्मे खुद देखा था। ये आफरीदा जमाल बेदख्त की मूर्ति थी और बिलाशुबा उसे किसी माहिर फ़न कारीगर ने तराशा था। मेहरताब को उसकी बेजान मरमरी आँखों में भी ज़िंदगी की रोशनी नज़र आई। एमगोर बुल में दाखिल होते ही बाबे ईला की डेवड़ी में उसने अर्ज़ फ़रात के गैबदा गोमा की ज़ुबान से बेदख्त का जिक्र सुना था। फिर आज ही हैकल जोहरा के चौक में उसने बाबुल की सबसे खूबसूरत औरत को अपनी 27 प्यारियों के हाले में इस शान दिलबरी में देखा, जिस पर फिरदौस के किसी ख्वाब का सा गुमान गुजरा था। वो उसके हसीन तसव्वुर को कल्बो जहन के दरीचों में बिठाकर इस मकान तक आया और अब हैरान हो रहा था कि बेदख्त यहाँ भी मौजूद थी। अगर वो खुद नहीं थी तो उसकी मूर्ति बहराल थी, और यह अजीब इत्तेफाक था कि वो हर जगह हर मकाम पर किसी न किसी रंग में उसके साथ थी। उसे याद आया, लड़की ने बाजार में बताया था कि वो कभी बेदख्त की प्यारी थी, उसकी महरम राज सहेली, लेकिन आजकल उनके दरमियान शायद कोई नाचाकी पैदा हो गई थी। इसके बावजूद आमोसी ने मूर्ति को इस तरह क्यों फेंक रखा है, जैसे कोई फालतू और बेकार चीज़ हो। मूर्ति को उठाए वो कॉर्नर्स की तरफ बढ़ा, जहाँ पीतल के बैल के दाएं बाएं सुबुल यामा और अफरोदियत की मूर्तियाँ पड़ी थीं। उसने बेदख्त की मूर्ति अफरोदियत के पहलू में रख दी और वहीं खड़ा उसे देखने लगा। बेदख्त दोनों मूर्तियों, दोनों देवियों से ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी।
वो कॉर्नर से हटकर फिर बिस्तर पर आ गया और नीम दराज सा होकर मूर्ति के नज़ारे में महव हो गया। एक बेदख्त मरमर की शक्ल में कॉर्नर पर जलवा फरोज थी और दूसरी बेदख्त उसके दिल के दरीचे में बैठी थी। अचानक वो सोचने लगा कि उसे क्या हो गया है, ये वारफ्तगी कैसी है, ये बेकरारी किस लिए है, और वो एक औरत के लिए ऐसा दीवाना क्यों हुआ जाता है जो उसकी तमन्ना उसकी मंजिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस अजीम शहर में उसकी आमद का मकसद कुछ और था। उसे हिदायत की गई थी कि वो औरत की दुनिया से दूर रहे, जिसका सहरे जमाल इंसान को उसके फर्ज और मकसद आला से दूर कर देता है। उसने खुद भी कहा था कि कोई औरत हाँ वो सुबले यामा अंथिया या जोहरा देवी ही का रूप क्यों न धाड़ ले, उसे बरगश्ता नहीं कर सकती। लेकिन यह अजीब हादसा हुआ था कि बेदख्त का एक ही जलवा हुजन उसे अपने साथ उड़ा ले गया था। अब वो उसके ख्याल और तसव्वुर से भी एक राहत महसूस करने लगा था। कहीं यह उसकी कमजोरी या मकसद में नाकामी का आगाज तो नहीं? एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ख्याल उसे परेशान करता रहा। वो आंखें मूंदे लेटा रहा। इस महवियत में उसे यह भी होश ना रहा कि वो इस वक्त कहाँ है। नागहां उसने अपने बाएं रुखसार पर लमस महसूस किया और आंखें खोल दी। देखा तो नूरे नाहिद आमोसी खूबसूरत लिबास में कयामत बनी उस पर झुकी हुई थी।